शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वाह जी वाह, सीधा पनीर से सीधा पास्ता, ये प्रमोशन कब हुआ? और सिया का तो फेवरेट है पास्ता। आजकल के बच्चों को तो यही सब पसंद आता है। लो सिया। नहीं, पास्ता मेरा फेवरेट है। मैं दाल चावल खाऊंगी, वो भी मम्मा के हाथ का। अरे वाह सिया, बिटिया तो बहुत सियानी होगी, बिल्कुल सानवी जैसे। वैसे आज मैंने डॉक्टर को बुलाया है बच्चों के चेकअप के लिए। इससे ये पता चल जाएगा कि बच्चे स्वस्थ हैं या कहीं कोई कमी तो नहीं। फिर खाना पीना भी उसी हिसाब से तय कर लेंगे। इससे उनके व्यवहार पे, पढ़ाई पे, हर चीज पे बहुत फर्क पड़ेगा। और फिर मैंने सोचा कि जब डॉक्टर आ ही रहे हैं तो क्यों ना पूरे परिवार का चेकअप एक साथ हो जाए। आखिर घर के बड़े अपना ध्यान रखेंगे तभी तो बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे। तो वो आएंगे नीचे सैंपल लेने, आप लोग सब प्लीज आइएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने रीमा जी। मम्मी पापा का तो चेकअप हुए भी बहुत टाइम हो गया है। थैंक यू रीमा। अरे इसमें शुक्रिया किस बात का, मैं तो जहाँ भी जाती हूँ उस परिवार को अपना ही समझती हूँ। मुझे यकीन है तुम जानबूझकर पूरे परिवार को नीचे भेजकर ऊपर अकेले कुछ ना कुछ तो करना चाहती हो, पर मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। जाल में तुम फंसोगी श्रद्धा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम नीचे जाओगे ही नहीं। ख्याल रख रही है ना रीमा हम सबका, ना तो हम खुद भी नहीं कर पाते। दूसरी औरत में आपका बच्चा है। ये तो पायल है। अगर हमारे प्लान में जरा सी भी रुकावट आई तो उन्हें अपने दोनों बच्चों का चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा। नहीं, तुम यहां नहीं आ सकती, चली जाओ यहां से, यहां से चली जाओ। अभय, वरुण जी, क्या हुआ? पायल, पायल यार, वो वहाँ है, पर्दे के पीछे। अगर कोई भागेगा तो नीचे से होके भागेगा, पर हम सब तो नीचे ही थे। वरुण जी, तो फिर वो यही गई है, वो यही है वरुण जी। पायल को लेकर श्रद्धा की आंखें धोखा नहीं खा सकती है, एक बार देख लेते हैं हम सब। ठीक है, चलो
चलो। वो पायल ही थी। हे भगवान, वो पायल फिर वापस इस घर में आ गई है। कहीं वो हमारी सिया को कुछ ना कर दे। नहीं, हम अपनी सिया को कुछ नहीं होने देंगे। वो पायल ही थी, मैंने उसे देखा है। श्रद्धा, श्रद्धा शांत हो जाओ, संभालो खुद को। इस बार पायल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे घर की दहलीज पार करने से पहले हम उसे उससे पहले जेल का दरवाजा दिखाएंगे। भाभी, हमने पूरे घर में देख लिया और पायल कहीं भी नहीं है। शायद इन्होंने मुझे देखा होगा। वो दरअसल मैं एक खेल तैयार कर रही थी बच्चों के लिए, जिसमें उन्हें कुछ ढूंढना था। तो मैं वही देख रही थी कि पर्दे के पीछे भी क्या कुछ छुपाया जा सकता है। शायद वही देखकर इन्हें भ्रम हो गया होगा। हाँ, ये हो सकता है। अरे वैसे भी आजकल पायल और उसकी, हमारा मतलब है उस बच्ची के अलावा हम कोई बात ही नहीं करते हैं, तो हकीकत हो या सपना वही दिखेगी ना। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो पायल ही थी मम्मी जी। अबे तू श्रद्धा को लेके अंदर कमरे में जा। आओ श्रद्धा। शाम को हम मंदिर जा रहे हैं आरती के लिए, ताकि वो पायल की मनहूसियत हमारे परिवार से दूर रहे। तुम मुझे मेरी मम्मा के पास लेके जाओगी ना? सानवी बेटा, अगर आपने मेरी बात मानी और सबके सामने अच्छे बच्चे की तरह रहे, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको आपकी मम्मा के पास जरूर लेकर जाऊंगी। अबे आप तो मेरी बात का विश्वास कर रहे हैं ना? मैंने आज उसे अपने बहुत करीब से देखा है। श्रद्धा, तुम अभी बहुत घबराई हुई हो, तुम शांत हो जाओ। फिर कैसे शांत हो जाऊं मैं अबे, जब मुझे पता है कि वो हमारे आसपास ही है। वो क्यों आ गई? कहीं वो फिर से मेरे बच्चे को ले जाने तो नहीं आई है? नहीं नहीं अबे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। इस बार अगर उसने हमारी बच्ची को छूने की भी कोशिश की ना, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। होश में आओ श्रद्धा। क्या हो गया तुम्हें? हमारी बच्चियों को उससे बचा लीजिए अबे, वो वापस नहीं आ सकती। किस्मत की लकीरों से बच्चियों को उससे बचा लीजिए। किस्मत की लकीरों से तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बच्चियों को कुछ नहीं होने दूंगा।